अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एम ए बर्ड्स इंफॉर्मेशन। उम्मीद है सब दोस्त हैरे से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो आज मैं आया हूँ अपने सेटअप पर अपना एक बर्ड लेने। तो आके मैंने ये कार्गो केज निकाला है अपने सेटअप से ही। देखने में नया लग रहा है लेकिन नया नहीं है ये। जब कार्गो वगैरह आता रहता है, खैर आज से तकरीबन 1.5 साल पहले मेरा एक कार्गो आया था, उसके बाद कोई मैंने चीज़ नहीं मंगवाई बाहर से। वो एक मेरी फीमेल एक्सपायर हो गई थी तो मैंने वो मंगवाई थी आखिरी टाइम, उसके बाद कुछ भी नहीं मंगवाया। तो ये कार्गो केज मैंने लिया और मैं अपना बर्ड एक लेने आया हूँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये वो बर्ड है, टेम है। तो इसको मैं अपने घर वापस लेके जाने लगा हूँ। ये पहले वहाँ ही रहता था, तकरीबन 4 माह का था जब ये सेटअप पर आ गया था, और आज इसकी माशाल्लाह से 2.5 साल उम्र है। तो इसको मैं लेने आया हूँ, तो इसको लेकर जाता हूँ तो फिर दिखाता हूँ। ये जी उड़ के साथ चला गया, मेरे कंधे पे आगे बैठ गया। तो यहाँ से मैं इसको सीधे उतार के ना मैं इसको कार्गो केज के अंदर ही डाल देता हूँ। तो ये मैंने इसको कार्गो केज के अंदर डाल दिया, और इसलिए मैंने इसको कार्गो केज के अंदर डाला है, मैं यहाँ से इसलिए इसको ये वाला केज मैंने लिया क्योंकि दूसरा केज अभी फ्री नहीं है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले ये दिखाता हूँ आपको, ये मैंने वैसे ही निकाल दिया था क्योंकि पैर ज़रा डल्ट हो रहे थे। तो ये फिर मैंने दे दिया अंडा। अब मुझे नहीं लगता ये अंडा जो सा फर्टाइल होगा, क्योंकि फीमेल एक है और मेल 3 है, 1, 2, 3, ये 3 मेल हैं। मुझे नहीं लगता कि ये फर्टाइल होगा। और ये वाला केज की बात रही, ये मैं जो सा मैं दूसरा केज इस्तेमाल करता हूँ पर्पल कलर का, यहाँ वहाँ लाई के आने के लिए, वो उसके अंदर तेरा 2 रेस्क्यू केस हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये विस्लिंग करने लग गया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा बाद में अगली वीडियो में। तो इसको लेकर चलते हैं घर, एक दो फिर देख रहे हैं इसको। अब इसको जल्दी से लेकर चलता हूँ घर में। तो इसको मैं अब घर ले आया हूँ, तो ज़रा गर्मी की वजह से घबरा रहा है, मैं घबरा ही गया, सांस वगैरह ज़रा ज़ोर से ले रहा है। अरे गर्मी भी है और ऊपर से जब वो कार्गो केज वगैरह के अंदर डाला है, अरे डाला तो मैंने आराम से, उसका कोई नहीं, लेकिन ये सफ़र में ज़रा आते आते ज़रा डर गया। तो ये मैं आपको इसका रिंग दिखाता हूँ, ये रिंग मैंने इसको डाला हुआ है बाहर उड़ाने के लिए, ये लेकिन ये बाहर उड़ने के काबिल नहीं है, मगर काबिल नहीं है, उस हिसाब से ट्रेंड ही नहीं था हुआ। और मैं बाद में आपको ज़रा इसको केज के अंदर शिफ्ट करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या इसकी बात है, ये इसकी क्या हिस्ट्री है। तो जी मैं इनको घर ले आया हूँ, तो ये मैंने केज अंदर कर लिया। ये पहले वहाँ भी बाहर होता है जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है रोशनी, ये वहाँ पर होता है, और ये वो पीस है, डैश डाल के दिखाता हूँ, ये वही पीस है। इसकी भी एक स्टोरी है, ये समझे मेरा लाडला थोड़ा सा, यार 1.5 साल से इसको मैंने बाहर नहीं था निकाला, केज से भी नहीं था निकाला, तो मैं इसको आज लेकर आया अपने सेटअप पे वापस। ये वाला जो था पीस था ये चला जाएगा, ये इसके साथ रहेगा, ये और ये पीस दोनों आपस में बहन भाई हैं। मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ, ये दोनों एक ही पेरेंट्स के हैं, ये 2.5 साल का तकरीबन क्या पूरे 2.5 साल का, और वो अभी 1 साल की होनी है। तो ये मैं इसको बाहर निकालता हूँ, इसको सीधा अंदर ही छोड़ते हैं, देखते हैं इनका रिएक्शन, देखते हैं क्या करते हैं। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होने में टाइम लगेगा,
यार लड़ेंगे नहीं, मुझे इतना यकीन है एक दूसरे को चेक तो करेंगे एक दफा क्या है क्या जी, क्योंकि ये 2.5 साल बाद अब आया ये पीस, ये ऊपर वाला पीस जो था ये 2.5 साल इसकी एज है तकरीबन, ये 1.5 साल बाद घर आया, ये तकरीबन 4 माह का था जब ये सेटअप पर चला गया था, जिसने तो काफी टाइम मेरे साथ स्पेंड कर रहे हैं। वो भी बता रहा है कि जरा पीछे ही रहना बेटा, मैं बड़ा हूँ तुमसे, तमीज से जरा। और ये दोनों आपस में बहन भाई हैं, ये फीमेल है जो फ्लाइट टीम है और ये मेल है, और वो भी मेल ही है, वो चला जाएगा सेटअप पर वापस, उनको मैं वापस हाथ पर लेता हूँ, यहाँ ठहर जाते हैं जरा चेक करने क्या करते हैं। वो मेरे पास आ गई है, वो इसकी लटकने की आदत है, हर इंसान को हमेशा लटकता है, बहुत खुशी से लटकता है वो, अभी साथ साथ है बिल्कुल, थोड़ा सा तो इनके अंदर होगा, लेकिन इसको हैर करना नहीं चाहिए, इसने कभी भी किसी का साथ नहीं किया और इसने भी कभी नहीं किया माशाल्लाह से, देखें टेम है, आपके सामने मैंने बाहर निकाला है। ये वापस चला जाएगा, इसको मैं रात को ले जाऊंगा इंशाल्लाह वापस सेटअप पर, ये दोनों ही ले रहेंगे यहाँ पे, है भी टेम है ये तो, है माशाल्लाह से फ्लाई टेम है और ये भी टेम है, ये तो मैंने आपके सामने निकाला अभी बाहर, तो अभी मैं आपको फिर बाहर निकाल के दिखाता हूँ। तो खुद ही बाहर आ जाएगी, इसको भी बाहर निकालता हूँ, अब यहाँ पर दिखाता हूँ, ये दोनों बैठे हैं, मैं है थोड़ा आपस में होगा इनका करके ऊपर की लड़ाई जरूर करेंगे, लेकिन इस टाइम कुछ नहीं कर रहे, फीमेल ज़रा उड़ के मेरे कंधे पे आना चाह रही है, और मेल आ गया, अब फीमेल भी आ जाएगी, फीमेल को मैं हाथ पे बुला लेता हूँ, ऐसे ही एक ही कंधे पर अगर दोनों लैंड हो गए तो काम खराब हो सकता है, अभी तक तो यहाँ ही बैठी हुई है और फिर आना चाह रही है, और इसको मैंने हाथ पर ही बुला लिया, माँ ये उड़ी और हाथ पर ही आ गई है, मैं इनको भी वापस भेजता हूँ, ये नहीं आएगा खैर आ जाएगा, फिर आना चाह रही है, अरे उड़ के वापस चली गई है, मेरी तरफ आई नहीं थी, इस मेल को मैं वापस केज में बैठाता हूँ, ये केज इसके लिए नहीं है, ये वहां से आया तो जरा टाइम लगेगा इसको सेट होने में, अभी तो वैसे देख ही रहा है केज को, इसको ज़रा पता है चलने फिरने का इस केज के ऊपर, तो ये इजी है, और माशाल्लाह से दोनों इकट्ठे रहेंगे, दोनों टेम है, मज़ा आएगा अब इनके साथ, और इसको मैंने ज़रा दिल्ली की लगन से किया ट्रेंड, क्योंकि ये मेरे सेटअप का पहला बच्चा है और इसकी एज 2.5 साल है, और है भी थोड़ा मेरे लिए स्पेशल, और ये भी इसने भी कहा कि मैं टेम होना चाहती हूँ, और ये भी टेम हो गई, इसके ऊपर बहुत मेहनत की थी, मतलब कि पहला बच्चा सन को टेम किया था, और इसके ऊपर ज़रा हाथ सेट हो गया हुआ था, तो इसने कहा मैं टेम होना चाहती हूँ, इसको है पहले नहीं थे इतनी मेहनत की, जब इसने थोड़ा सा रिस्पॉन्स आया था इसका मेरी तरफ, तो मैंने कहा चलो फिर
इसको फ्री फ्लाई जो सा अपना शौक है कि खुला उड़ाने का, वो पूरा इसके ऊपर ही करते हैं। उसको बहुत कोशिश की थी लेकिन वो फ्लाई टाइम नहीं था हुआ। वो खैर मैंने पहली दफ़ा ट्रेंड किया था तो मेरी भी कुछ गलतियाँ कुटाइयाँ हैं थी उसके ऊपर। उस टाइम ये भी अंदर से अभी बाइट कर रहा है, बाइट तो नहीं कर रहा है, चेक ही कर रहा है। इसका भी डर ना इस केज में आने के बाद, क्योंकि यहाँ पे खुले रहते थे यहाँ पर, तो यहाँ पर आने के बाद इसका भी डर थोड़ा ख़त्म हुआ। नहीं तो उससे पहले ये भी बहुत डरता था, और अब ज़रा ज़ोर से बाइट कर रहा है। छोड़ दे भाई, चल भाई, अलग अलग बैठे हैं। मैं यही उनकी खूबसूरती है, यहाँ बैठे हैं मैं, कोई उनको टेंशन नहीं है। मैंने ज़रा बाहर भी निकाल दिया, मैंने कहा ज़रा ईजिली फिर लेंगे, एक दूसरे को देख लेंगे, लेकिन ये तो अलग अलग बैठे हुए हैं। और ये उड़ के आ गया, मतलब कि आ गई है। हाँ फिर आज की वीडियो यहाँ पर ही एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।